हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे विल रीड क्लास फिफ्थ टॉपिक एक्सरसाइज 4.3। वी हैव डन 4.2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन एंड नाउ वी विल डू इन द एक्सरसाइज 3 मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो बट सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो हम हमेशा करते आए हैं बचपन से। क्वेश्चन नंबर 1, 5135 मल्टीप्लाई 43। दैट्स सो इजी, हम हमेशा करते आए हैं। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 जा 15, कैरी आया 1, 33 जा 9 और 1 10, कैरी आया फिर 1, 31 जा 3 और 1 4, 35 जा 15, देन क्रॉस फिर 4 से करेंगे, 45 जा 20 का 0, कैरी आया 2, 43 जा 12 एंड 2 14, कैरी आया 1, 41 जा 5 एंड 1 5 एंड 45 जा 20। क्या आएगा जोड़ने पर, इनको अब इनको प्लस कर देंगे, 5, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 5 10 का 0, कैरी आया 1, 1 एंड 1 2 एंड फिर अगेन 2, कितना आ गया 20, 2,20,805। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आप व्हाट प्रॉब्लम के अंदर मिसेस बत्रा सेव्स 48,290 रुपये एवरी मंथ। जो मिसेस बत्रा है वो बचाती है इतने रुपये हर महीने। हाउ मच मनी विल सेव ही आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों में कितने पैसे बचा लेगी। कहने का मतलब एक मंथ में इतने पैसे बचा रही, 2 साल में कितने बचाएंगी, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। कम दिया है ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप लिख दो सेविंग ऑफ 1 मंथ। एक मंथ की सेविंग कितनी है, 48,290 रुपए। तो कह रहा है कि बताओ आप सेविंग ऑफ 2 ईयर। अब 2 ईयर का मतलब क्या हो गया, 2 ईयर का मतलब क्या हो गया, 2 किस में लाने, मंथ में। जब क्योंकि हमारा क्या था, 1 मंथ, यहाँ पर भी मंथ आना चाहिए। अब 2 ईयर में कितने मंथ होंगे, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे, 24 मंथ। तो ये पूछ रहा है कि 1 मंथ में इतने रुपए सेव करती है, तो 24 मंथ में कितने सेव करेगी। साफ दिख रहा है मल्टीप्लाई, एडिशन क्यों नहीं हो सकता, एडिशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसने टोटल नहीं पूछा, कम दे रखा है, उसने ज़्यादा की वैल्यू पूछी। अगर एक पेन 15 का आता है तो बताओ 17 पेन कितने के आएंगे। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी वही, एक मंथ में इतने रुपए बचा रही है तो 24 मंथ में कितने बचाएगी, इतने रुपए बचाएगी। ठीक है, तो कर दो इसका मल्टीप्लाई, पहले 4 से करेंगे, 0 का 0, मैं हॉरिजॉन्टली कर रही हूँ, ये वाला मेथड वर्टिकली मेथड होता है। 049 से 36 का 6, कैरी आया 3, 42 जा 8 और 3 11, कैरी आया 1, 482 32 और 1 33, कैरी आया 3, 416 और 3 19, फिर 2 से करेंगे 0, 29 जा 18, कैरी आया 1, 2 जा 4 और 1 5, 28 जा 16, फिर कैरी आया 1, 2 4 जा 8 और 1 9, क्या जाएगा आंसर 0, 6, 8 1 9, 5 एंड 3 8, 6 एंड 9 15, कैरी आया 1, 1 एंड 1 2 और 9 11। तो इस तरीके से किस में आया आपका, ये रुपए सेव कर रही है 1 मंथ में, कर रही है 48,290। तो 24 मंथ में कितनी कर रही है वो, 11,58,960। ओके।
क्वेश्चन नंबर थ्री, मिसेज मेहता बोट 15,346 चेयर फॉर द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं। तो मिसेस मेहता ने इतनी चेयर खरीदी, फीस चेयर कॉस्ट, अगर एक चेयर की कॉस्ट 398 रुपये है तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी, मतलब उसने कितना पे किया। अब मैं टोटल पूछ रहा है तो क्या मल्टीप्लाई कर एडिशन कर दे? नहीं, बोल रहा है इतनी चेयर लाई है, एक चेयर की प्राइस इतनी है, बताओ इतनी सारी चेयर्स कितने की होंगी। हमें इजीली पता है कि जब भी ऐसा पूछे कि एक थिंग की वैल्यू इतनी है तो बताओ इतनी थिंग्स की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो वो कह रही है कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर की कॉस्ट वो बता रही है 398 रुपए। तो बताओ कॉस्ट ऑफ कितनी चेयर? 15,346 चेयर्स कितने की होगी? क्या कर दूं मैं 398 में किसको मल्टीप्लाई कर दूं? 15,346। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, पहले तो इसको सही फॉर्म में लिख लो और फिर क्या कर दो इसको, इससे मल्टीप्लाई। ये थ्री डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आप इसे कर सकते हैं, 8 6 48 का 8 कैरी आया 4, 8 4 32 और 4 36 कैरी आया 3, 8 3 24 24 और 3 27 कैरी आया 2, 8 5 40 और 2 42 कैरी आया 4, 8 1 8 और 4 12। फिर हम 9 से करेंगे, 9 6 54 का कैरी का 4 आया, कैरी आया 5, 9 4 36 36 एंड 5 41 कैरी आया 4, 9 3 27 27 और 4 31 कैरी आया 3, 9 5 45 और 3 48 कैरी आया 4, 9 1 9 एंड 4 13 डबल मल्टीप्लिकेशन, 3 6 18 कैरी आया 1, देन 3 4 12 और 1 13 फिर कैरी आया 1, 3 3 9 और 1 कितना हो गया 10 का 0 कैरी आया 1, 3 5 15 और 1 16 फिर कैरी आया 1, 3 1 3 और 1 4 क्या आया एडिशन पर 8, 6 4 10 का 0 फिर कैरी आया 1, 7 1 8 8 16 16 1 17 फिर कैरी आया 1, 2 1 3 और 3 6 1 7 8 2 10 कैरी आया 1, 1 1 2 और 3 5 5 1 6 11 फिर अगेन कैरी 1, 4 1 5 1 6 कितना आया मेरे पास 61,07,708। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 2,27,125 कॉपीज ऑफ ए बुक गीता वर प्रिंटेड। गीता की, गीता जी की इतनी सारी बुक्स प्रिंट हुई थी पिछले ईयर, लास्ट ईयर। इफ ईच बुक हैड 229 पेज, हाउ मेनी पेजेस वर प्रिंटेड। एक कॉपी में 329 पेज आ रहे हैं, तो बताओ इतनी सारी कॉपियों में कितने पेज होंगे? सेम मल्टीप्लाई लिख देना, द पेजेस इन वन नोटबुक, फिर लिख देना द पेजेस इन 227,125 नोटबुक्स। इसका क्या निकल जाएगा हमारे पास? इतने सारे पेजेस मिल जाएंगे। ये रुपए में चल रहा तो इसका आंसर किस में आएगा? रुपए में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ए मिल्क बूथ सेल्स 448 लीटर ऑफ मिल्क इन ए डे। जो मिल्क बूथ है बेचता है 448 लीटर मिल्क रोज का, मतलब रोज का 448 लीटर दूध बेच रहा है वो। हाउ मेनी लीटर ऑफ द मिल्क विल इट सेल इन 4 ईयर। एक दिन में इतना बेच रहा है तो 4 साल में कितना बेचेगा? पहले तो इनको बराबर कर ले हम,
जब वो वन डे सेलिंग क्या है उसकी 448 रुपये, तो 4 साल की सेलिंग क्या हो जाएगी? 4 साल, पहले तो 4 ईयर को हम किस में बदले, डे में बदले, 4 ईयर, एक ईयर में कितने डे होते हैं? 365 डे होते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर ले इसको, 4 5 20 का 0 कैरी आए टू, 4 24 और 26 फिर कैरी आए टू, 4 12 और 14, तो कह रहा है कि 1460 डेज की सेलिंग क्या हो जाएगी फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दिन में वो इतने दूध को बेच रहा है, सॉरी ये लीटर है, एक दिन में इतने दूध को बेच रहा है तो 4 साल में कितना बेचेगा? पहले 4 साल के दिन निकालो, क्योंकि जब यहाँ दिन है तो यहाँ पर भी दिन करना ज़रूरी है। ये गलती मत कर देना कि 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम जो कंपेयर करते हैं, मैंने बोला कि एक पेन 5 का आता है, तो मैं अगली बार यही बोलूँगी कि 10 पेन कितने के आएंगे, तो पेन ही बोलूँगी। जब डे था यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी डे ही होना चाहिए। डे है यहाँ पर ईयर हो, तो आप मल्टीप्लाई सीधे नहीं कर सकते। पहले हमने क्या किया, इन ईयर को 4 साल को डेज में बदला, अब लिख दिया। सेम यूनिट लानी होती है, डे है तो यहाँ पर नीचे भी क्या लाना होता है, आपको डे ही लाना होता है। ठीक है, तो आपकी 4.3 एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। इसके बाद में पढ़ेंगे हम 4.4 एक्सरसाइज, 4.4 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 5 4 7 डिवाइड बाय 1। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 8 7 4 5 0 डिवाइड 8 7 4 5 0, ये किसके बराबर होगा और ये किसके बराबर होगा? किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पर क्या मिलता है? सेम वही संख्या ही मिलती है। सेम संख्याओं को डिवाइड करने पर क्या होते हैं, वो जिससे सेम होने के जिससे कट जाते हैं, तो इसका आंसर क्या मिलता है? 1। अगर थर्ड है आपका, मैं किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करूं, इसका मतलब क्या हो गया? इस तरीके से लिखा हुआ है, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर हमेशा क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। फोर्थ है आपका, ब्लैंक स्पेस डिवाइड विद द 35 इक्वल्स टू 0, कह रहा है कि मैंने किसी संख्या को 35 से डिवाइड किया, 0 आया। 0 कब आएगा? जब यहाँ पर क्या होगा? 0। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि 35 को मैं किससे डिवाइड करूँ या ऊपर क्या रखूँ कि मुझे आंसर 0 मिले। पक्का यहाँ 0 होगा, तभी तो 0 मिला होगा, देखो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ नंबर विच डिवाइडेड बाय 35। मुझे नहीं पता, कोई एक नंबर दिया हुआ है, आई डोंट नो, एक्स मान लो उसको, कहा कि इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किससे? 35 से। दैट क्वेश्चन 22 एंड रिमाइंडर 14। किसी संख्या को डिवाइड करने पर क्वेश्चन 22 मिल रहा है और रिमाइंडर 14 मिल रहा है, तो बताओ अब इसका वो संख्या क्या होगी? तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमेशा कि जब भी ये निकालना हो, मान लो मैं 6 में भाग लगा रही हूँ 2 का, या 7 में लगा दो, 2 3 6 कितना बचा? 1। अब क्या करूँ? अगर आपको चेक करना है वापस 7 लाना है, तो क्या करूँ मैं? इन दोनों को तो कर दो मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3, और इस रिमाइंडर को ऐड कर दो, आपका वही आ जाएगा बीच वाला आंसर, 2 3 6 और 1 7। ये होता है आपका डिवीज़र, जिससे आप भाग देते हो। क्या होता है आपका ये? डिवाइज़र, जिससे भाग देते हो। ये वाला होता है आपका डिवाइडेंड, जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका क्यूजेंट, और ये होता है आपका बचा हुआ रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है जो शेष बच जाए आपका, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कोई एक संख्या है जिसको मैंने 35 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 22 आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है? मतलब 14 आ रहा है, तो बताओ वो नंबर क्या है? छोटा एग्जांपल लेके दिखाया, समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या बना? इससे डिवाइजर मल्टीप्लाई
डिवाइडेंड इक्वस टू, डिवाइडेंड इक्वस टू डिविजर मल्टीप्लाई विथ क्यूजेंट प्लस रिमाइंडर। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसमें क्या ऐड कर दो, रिमाइंडर ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर दूं मैं, आप डिविजर क्या है मेरा 35, क्यूजेंट क्या है मेरा 22, इसमें मुझे रिमाइंडर जोड़ना है कितना 14। बोर्ड मास क्या कहता है आपका, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है फिर डिविजन, सॉरी फिर एडिशन। पहले मल्टीप्लाई कर दूं, 22 5 110, कितना होता है 110, क्या आ गया इसका 0। कैरी क्या बचा 11, 22 3 66, और 66 में 11 जोड़ दो क्या आ गया 77 आ गया, क्या आ गया 77। तो ये तो मेरा आ चुका है इसका मल्टीप्लाई, इसमें आपको जोड़ना है 14। अगर मैं 770 में 14 जोड़ूं क्या मिलेगा मेरे को 0 + 4 4, 7 और 1 8 एंड 7, क्या मिल गया मुझे 784, 784 मुझे इसका आंसर मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3699 व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर। अब ये कह रहा है 3699 को जब मैं डिवाइड करूं, 3699 को जब डिवाइड किया जाता है बाय अ सर्टेन नंबर, कहा कोई एक निश्चित नंबर से। अब उसने नंबर नहीं दिया तो अब इसको एक्स मान लो, कि किसी नंबर से डिनोट डिवाइड किया तो इट गिव्स 231 एज द क्यूजेंट। तो इस डिवाइड ने मुझे 231 तो क्या दिया, क्यूजेंट दिया, और 3 एज द रिमाइंडर, और जो लास्ट में बचता है वो क्या दे दिया मुझे इसने 3 दिया है। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर, कह रहा है कि वो नंबर फाइंड आउट करो जिससे मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो 3699 किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है जो कि 231 रिमाइंडर दे रहा है, सॉरी क्वेजेंट दे रहा है और 3 रिमाइंडर दे रहा है। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या था हमारा, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यू, क्यूजेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइडेंड क्या है मेरा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 3699 इज इक्वल्स टू, डी क्या है बेटा मेरा डिविजर, पता ही नहीं है मुझे एक्स लिख दूँ, मल्टीप्लाई क्यू क्या है मेरा 231 और रिमाइंडर क्या है मेरा 3। बस मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, अब बताओ मैं क्या करूँ, सॉल्व कर लूँ इसको। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इस इक्वेशन में, जब बेटा आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन नहीं आता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सीखने की कोशिश करें कि जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए हमेशा पहले जो प्लस में है उसको इधर ले आओ, पहले प्लस वाला जाता है फिर डिवाइड सॉल्व होता है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, पहले बड़ी वाला सॉल्व होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, कि पहले हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे, पर यहाँ जब इक्वेशन बनती है जब भी आपको इधर लाना हो तो हमेशा किसको लेकर आएंगे, पहले प्लस माइनस की संख्याएं आती है, मल्टीप्लाई की नहीं आएगी, दोनों मल्टीप्लाई में है ना, किसकी आएगी प्लस माइनस की। तो इस प्लस 3 को उठा के इधर ले आओ, क्यों ला रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है, मुझे एक्स नहीं पता मेरा एक्स क्या है। ठीक है, तो क्या करूँ मैं, इसको इधर ले आऊँ 3699 - 3, इधर ये किसका 3 है, प्लस का 3 है, तो इधर आके किसका 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, किसका 3 हो जाएगा माइनस का। इधर क्या बचा एक्स मल्टीप्लाई 231, इसमें से मैं 3 घटाऊंगी तो कितना बचेगा 3696 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई 231। अब ये दोनों संख्या किसमें, मल्टीप्लाई में, एक्स निकालना है ना, मल्टीप्लाई इधर जाके किसका होता है डिवाइड का, तो 3696 में क्या डिवाइड हो जाएगा 231, यही क्या है मेरा एक्स, और 3696 में मैं 231 का क्या लगा दूँ भाग। कैसे करते हैं भाग,
दो संख्या हम पहले एक संख्या में तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 200 के आसपास है, टू में भी नहीं जाएगा, 36 से 369 में चला जाएगा। मतलब पहले इन तीनों में भाग दे के देखूंगी मैं कितनी बार लगा दूँ, वन टाइम लगा दूँ, क्योंकि टू बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 231, नाइन में से वन गया तो कितना बचा, एट, सिक्स में से थ्री गया तो कितना बचा, थ्री, एंड थ्री में से टू गया तो कितना बचा, वन बचता है। ठीक है, ऊपर से क्या उतारा मैंने यहाँ, सिक्स, फिर मैं भाग लगाऊँ, अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग सिक्स टाइम। कैसे जज किया मैंने, सिक्स को मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, लगभग 1200 के आसपास आएगा, तो कितनी बार जाएगा, सिक्स टाइम, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन का एट, कैरी आया वन, सिक्स टू जा ट्वेल्व और वन थर्टीन, क्या बचा यहाँ पर, ज़ीरो, तो कितना आगे डिवाइड करने पर, सिक्सटीन, तो एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, सिक्सटीन, यही मेरा इसका आंसर है। इस पर सेकंड मेथड भी है। जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तब क्या करते हैं, हम उसको भाग लगाते हैं और फिर क्या निकालते हैं, क्यूजेंट निकालते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में उसका रिमाइंडर भी जोड़ना ज़रूरी है। आप डायरेक्टली भी ऐसा भी कर सकते हो कि पहले तो क्या करो आप, 3699, इसमें आपने एक्स का भाग लगाया तो क्या आया होगा, 231 ही तो आया होगा, लेकिन साथ में रिमाइंडर भी तो है, तो पहले तो आप क्या करो, रिमाइंडर को क्लियर करो, रिमाइंडर को ही हटा दो, रिमाइंडर हटाओगे तभी तो ज़ीरो होगा, तो पहले इस संख्या में से रिमाइंडर घटाओ, रिमाइंडर घटाने के बाद में इस संख्या से भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्यों मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ कि जब भी हम करते हैं इस संख्या को भाग क्यों होगा तभी तो ये आया होगा, लेकिन बच रहा है मेरे पास रिमाइंडर, अगर मैं इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दूँ तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना। तो पहले तो मैं क्या करूँ, इसमें 3699 में से माइनस कर देती हूँ 3, क्या बचा मेरा, 3696। अब जो मेरी बची संख्या है उसमें भाग लगा दो इसका, तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, आपका ये डिवीज़र आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना फॉर्मूला लिखे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख के करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि फाइंड द क्यूजेंट एंड रिमाइंडर। 62847, का भाग लगाओ और रिमाइंडर पता करो। लेकिन वैसे आपको भाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाग लगाने की ज़रूरत, क्योंकि इसका एक मेथड भी होता है जिससे आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। कहने का मतलब इसका एक तरीका है, कितने डिजिट के लिए पूछा है इसने आपसे, जितने डिजिट के लिए ज़ीरो है उतने डिजिट क्या है, वो रिमाइंडर है उसका। लाइक जैसे इसका, इसको डिवाइड करना है आपको 1000 से, तीन ज़ीरो से डिवाइड करना है ना, तो जितनी ज़ीरो है वो तो क्या है इसका, रिमाइंडर। और भाग कितनी बार गया आपका, ये बचा हुआ क्यूजेंट, करके भी देख लो आप भले 62847 में अगर मैं 1000 का भाग लगाऊंगी, 6 बार जाएगा 6000, कितना बचा, 284 बचा, ऊपर से 7 उतारते हो फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2000, कितना बचा, 847 आ गया, 847 रिमाइंडर, 62 क्यूजेंट आ गया। तो ये तरीका भी होता है, वैसे भाग देके कर सकते हैं, लेकिन यह हमें मेथड बता रहा है कि आपको इस मेथड से करना है, तो आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दिस वीडियो इज़ फिनिश्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।